बिल्कुल, मुल्की साथी सूरत हाल पर नवाज शरीफ ने एक अहम इजलास जो है वो लंदन में तलब किया है और नून लीग की पार्टी के जराये कह रहे हैं कि इसमें राणा सनाउल्ला को जो है पंजाब की सदारत से हटाए जाने का इम्कान है, क्योंकि राणा सनाउल्ला इस वक्त मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, लेकिन बहुत से फैसलों और इकदाम के हवाले से जो है उसको पार्टी में शदीद तनकीद की जा रही है और पार्टी के अंदर ये मशरत जोर पकड़ने लगा है कि राणा सनाउल्ला को उनके अहदे से हटा दिया जाए। इस हवाले से ख्वाजा सादर ही और एसम इकबाल के नाम सामने आए थे कि उनको पंजाब की सदारत सौंपी जाए, लेकिन दोनों ने माना कर ली है और ये कहा जा रहा है कि नून लीग के कुछ रहनुमा जो है वो अलीम खान को पार्टी में शामिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और उनको पार्टी में अहम अहदा देने की ख्वाहिश सामने लेकर आए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो लंदन इजलास है आइंदा इंतखाबात के लिए मुतवक्का उम्मीदवारों की सही फहरिस्तों पर भी मशावरत की जाएगी, जिसके साथ साथ जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है मुस्लिम लीग की उसके अहदेदारों का नए सिरे से इंतखाब भी मुतवक्को है। इसके अलावा जो है देखा जाएगा कि पार्टी की क्यादत आइंदा के लिए किसको सौंपी जानी है पंजाब में, क्योंकि ये फैसला तय हो चुका है कि मुस्लिम लीग की किसी नायब सदर मरीम नवाज वो जल्द वतन वापस आएगी। इस इजलास के बाद कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान वापस पहुंच रही है और पंजाब की जो मुहिम है मुकम्मल तौर पर मरीम नवाज चलाएगी, इस हवाले से उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी है और मरीम नवाज जिस टीम को साथ लेकर चलेगी वो देखा जाएगा। ठीक है, राणा सनाउल्लाह को मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत से हटाने का इम्कान है, देखना यह है कि आज जो इजलास होना है उसमें क्या फैसला सामने आता है।